जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती को लेकर लगातार नए अपडेट जितने भी आ रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये नई वैकेंसी को लेकर अपडेट है। बिहार में सिमुलतला आवासीय विद्यालय की वैकेंसी निकाली गई है शिक्षकों की, प्रधानाध्यापकों की, प्राचार्यों की। अगर आप योग्यता रखते हैं तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कर लीजिएगा। इसका वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा एक बार, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लेकिन आज एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्योंकि ये सवाल छात्रों के आ रहे थे, जो शिक्षक हैं ऑलरेडी, जो पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं, उनके सवाल लगातार आ रहे थे कि क्या हमारे पास प्राइवेट स्कूल के एक्सपीरियंसेस हैं, क्या हमारे पास कहीं कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर हमने पढ़ाया है उसका एक्सपीरियंस है, तो क्या हम लोग एलिजिबल हैं या नहीं है। तो उसका जवाब दिया है बीपीएससी ने यहाँ पर, और उम्र सीमा में छूट को लेकर भी यहाँ पे सारी बातें कही गई हैं। तो सबको मिलेगा मौका, ऑफिशियल नोटिस हुआ है जारी। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक करे ना करे, ताकि आपके एक शेयर से उनकी मदद हो सके। तो दोस्तों, हम हैं यहाँ बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और ये 19 तारीख का एक नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहाँ पे हमने इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर लिया है, आप इस नोटिफिकेशन को थोड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से चूंकि ये वैकेंसी है, और सिमुलतला आवासीय विद्यालय के बारे में आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है ये कैसा स्कूल है, इसके बारे में आपको जानकारी हमने दिया है। और ये जो है आवासीय विद्यालय जमुई में है, और माध्यमिक शिक्षक के लिए कुल 41 पदों की वैकेंसी है, और उच्च माध्यमिक के लिए 21 पदों की वैकेंसी है। और इसकी नियुक्ति पर जो है आयोग के द्वारा करीब 13 मार्च को प्रकाशित एक विज्ञापन के अनुसार, विज्ञापन संख्या 29/2024, जहां पे तथा प्राचार्य के लिए एक वैकेंसी है, उप प्राचार्य के लिए यानी कि एक वैकेंसी, यानी कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए एक एक वैकेंसी है। इसकी नियुक्ति हेतु दिनांक 14 मार्च को एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया 30/2024। अब इसमें वर्णित था कि अनुबंध के आधार पर अभी जो अधिभार है और आयु में छूट के प्रावधान को लेकर निम्न रूपेण स्पष्ट किया जाता है। अब क्या स्पष्ट किया जाता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, विभागीय पत्रांक संख्या इतना 22/8/2023 के द्वारा सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में पूर्व से अनुबंध के आधार पर, यानी कि पहले से अगर आप कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहे हैं, है ना, कार्यरत प्राचार्य हैं, जैसे कि प्रिंसिपल हैं या वाइस प्रिंसिपल हैं, या उच्च माध्यमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक को आयोजित होने वाली परीक्षाओं में अनुबंध नियोजन के फल स्वरूप किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। समझने का कोशिश कीजिएगा यहाँ पर क्या बातें कही गई हैं, कि इन सभी में अगर जितने भी स्कूल्स में आप प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, या आप यहाँ आवेदन करना चाहते हैं, है ना, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के, तो जो आयोजित होने वाली परीक्षा है उसमें कॉन्ट्रैक्ट नियोजन के फल स्वरूप, यानी कि अनुबंध के नियोजन के फल स्वरूप किए गए कार्य, आप जो भी आपका एक्सपीरियंस है उस अवधि के समतुल्य अवधि, यानी कि उसके बिल्कुल समान अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी, यानी कि एज में जो रिलैक्सेशन आपको मिला है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, एवं कार्य अनुभव के आधार पर अनुमान्य अंक की गणना मेधा सूची में की जाएगी। जैसा भी आपका कार्य है, जो अनुभव एक्सपीरियंस है जितने साल का, मान लीजिए कि आपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर पढ़ा रहे कहीं ना कहीं, है ना, और उच्च माध्यमिक में या प्राचार्य के या उप प्राचार्य के पद पर या माध्यमिक शिक्षक के पद पर आप रहकर पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको भी वही यहाँ पर एज क्राइटेरिया में छूट मिलेगा जो कि यहाँ पर सबको दिया जा रहा है। और कार्य अनुभव की जब बात हुई तो इसके आधार पर वही एक्सपीरियंस जो कि आपसे मांगा गया है यहाँ पर, उसी के आधार पर आपका भी मेधा सूची बनेगा। बाकी यथावत यहाँ पे जो चीजें हैं वो रहेंगी, ये बातें यहाँ पे कही गई हैं। अब यहाँ पे देखिएगा तो 14 मार्च को नोटिफिकेशन जारी हुआ है यहाँ पे प्रिंसिपल का, मैं इसको भी थोड़ा यहाँ डाउनलोड कर लेता हूँ, और 13 मार्च को डाउनलोड हुआ है दोस्तों ये सब आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाला, ठीक है, तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर लिया हमने। तो ये देखिएगा, तो ये टोटल वैकेंसी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षकों की भर्ती को लेकर है।
यहाँ पे देखिएगा तो आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है ये तो चीजें हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस वाला जो मैटर लिखा गया था इसको पढ़िएगा। यहाँ बोला गया है कि मान्यता प्राप्त प्लस टू विद्यालय में 3 वर्षों का स्नातक शिक्षक के रूप में शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए, ठीक है। ये प्लस टू स्कूल के लिए, जब आप उच्च माध्यमिक के लिए अप्लाई करते हैं, बिहार राज्य के साथ साथ अन्य राज्य के केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त प्लस टू विद्यालयों में सम्मिलित किया जाता है। यानी कि ये जो कहा गया था कि बिहार राज्य के साथ साथ आप केंद्र सरकार के किसी स्कूल में प्लस टू पढ़ाए थे। अब छात्रों का सवाल बन रहा था कि सर हम लोग जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे कहीं पढ़ा रहे हैं किसी स्कूल में या किसी विद्यालय में, तो क्या हमारा भी होगा काउंट यहाँ पे, तो उसकी बातें नहीं लिखी गई थी। तो वही ऐड करके यहाँ पे जो है चीजों को जोड़ा गया है। शिक्षक अनुभव के संबंध में अभियोजक यदि सरकारी विद्यालय में कार्य किए हों, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया था कि सरकारी विद्यालय की बात हो रही थी, ऐसी स्थिति में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी निर्गत शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र आपको स्वीकार किया जाएगा। और गैर सरकारी अगर विद्यालय के कर्मी हैं, यानी कि प्राइवेट स्कूल की बातें की गई थी, तो भी आप यहाँ पे जो है इसके द्वारा आप अपने प्रिंसिपल के द्वारा जो है सर्टिफिकेट बनवा के लाएंगे और अपना जो है बैंक का डिटेल लेके आएंगे कि आपको वहां से सैलरी मिलती है। तो ये चीजें बोली गई थी एक्सपीरियंस को लेकर। तो आप लोगों के ही इसी चीज को लेकर जो बोला गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे कहीं अनुबंध नियोजन के आधार पे कहीं जॉब कर रहे हैं तो क्या उनको मौका नहीं मिलेगा, तो उनको भी अब यहाँ पे मौका मिलेंगे। आपका भी सेम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाएगा, इसको यहाँ पे सुधार करके इस चीज को शायद कहा गया है। तो ये सारी चीजें जो है हमने अब तक साझा किया है और इसमें भी यहाँ पे एक्सपीरियंस को लेकर वही बातें कही गई थी। तो इन सब में जो है सुधार कर दिया गया, चूंकि यहाँ पे सबके बारे में बोल दिया गया, प्राचार्य उप प्राचार्य उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के लिए जितना वैकेंसी आया है उन सब के लिए होने वाली परीक्षा में अगर आप अनुबंध नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में भी दी जाएगी, तो एज क्राइटेरिया में भी दी जाएगी, और यहाँ पे लिखा गया है एक्सपीरियंस के आधार पर भी आपको जो है यहाँ पे अनुमान्य अंक जो मिलते हैं एक्सपीरियंस का, हर एक साल का अंक आपको मिलेगा 5, तो जो कि 5 साल तक के लिए है, तो 25 अंक एक्स्ट्रा यहाँ मिल सकता है। तो वो अंक के आधार पे आपको जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस का नंबर भी मिलेगा, उसके आधार पे आपका मेधा सूची बनेगा। तो ये जानकारी दी गई है दोस्तों यहाँ पे इस छोटे से वीडियो में हमने आप तक साझा किया है सारी चीजों को। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद। और अगर आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, रोज सुबह 8:30 बजे आपको करेंट अफेयर का सेशन दिया जा रहा है, जो कि आपके आने वाली बिहार की आगामी परीक्षाओं के लिए, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार कांस्टेबल जैसी परीक्षाएं, बिहार विधानसभा परिषद जैसी परीक्षाओं को कवर अप करता है, तो वो सारे एमसीक्यूज आपको वहां पर शेयर किए जा रहे हैं। प्लस शाम को 5 बजे आपको एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन आंसर जो बुकलेट है वो आपको कवर कराया जा रहा है। तो बिल्कुल आप लोग वहां पे जुड़िए। जय हिंद।